दोस्तों एक नया टॉपिक ले रहे हैं हम लोग पॉलिनोमियल, आज जो 9th का सेकंड चैप्टर है, कहीं ना कहीं हम उसके बारे में सीखेंगे, बेसिक ज्ञान लेंगे। ये कहीं ना कहीं आपके 8th से भी रिलेटेड है, 10th से भी रिलेटेड है, बट हम 9th का सेकंड चैप्टर ही लेंगे और उसकी बेसिक्स को समझेंगे, जानेंगे, जिससे हमारे को ये चैप्टर पूरा अच्छी तरह समझ में जाए। इसको समझना इसलिए भी जरूरी है, कहीं ना कहीं ये आपको 10th में हेल्प करेगा। सो लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर। देखिए दोस्तों, अगर मैथमेटिक्स की थ्योरी हम अच्छी तरह पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरह समझ में पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो बहुत अच्छा समझ में आएगा और बहुत फायदा भी करेगा कहीं ना कहीं आपको। तो हम सीखते हैं सबसे बेसिक चीज जो है वो है पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल। अब ये जितने भी आपके एग्जाम्पल्स है, सिर्फ इसमें 2x लिखा हुआ है, मैंने 1x इसलिए लिख दिया, कुछ समझाने के लिए लिखा था, आप x ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x ले लो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x ले लो प्लस 7 ले लो, ये सब आपके जो है पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल ही है। अब इसमें अगर आप इसका कॉन्स्टेंट पार्ट लोगे, आगे जो लिखा है, जैसे इसका 2 लिखा है, इसका नहीं भी लिखा है तो भी 1 माना जाएगा, ये मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए, और 2 ये आपके कोफिशियंट हो गए। इसके आगे चलते हैं, ये जो है 2 माइनस 5 प्लस 7 ये सब आपके कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल्स है, 0 कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल का 0 ही माना जाता है कॉन्स्टेंट। वो कैसे होता है, जैसे आपको मैंने समझाया है, यहां देखिए 2 = 2x डिग्री 0, तो आप इसी ये क्या बनेगा, x 0 का बन जाता है 1, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, तो ये दिस डिग्री ऑफ नॉन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, डिग्री ऑफ नॉन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, ये यहां पे समझाया हुआ है। जो नॉन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 0 ही रहती है हमेशा, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं, यहां पे ये सिंगल x वाला है जो है, ये आपका हो गया मोनोमियल, ये हो गया आपका, यहां पे 2 डिग्री है तो ये हो गया बाइनोमियल, फिर इसमें कहीं ना कहीं आपका ये 3 एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है ये 3 है, तो दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करते हैं यहीं से। पॉलिनोमियल्स विद वन वेरिएबल, जो ये सब हैं पॉलिनोमियल्स जो वन वेरिएबल्स के साथ हैं, 2x आप देखेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x, x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ये सब कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल्स विद वन वेरिएबल कहलाते हैं। कोफिशियंट, इनके कोफिशियंट जो होंगे, जो इनके सामने लिखे रहते हैं, जैसे इसके सामने 2 लिखा हुआ है, इसके सामने 1, अगर एज्यूम कर लेते हैं 1 है क्योंकि कुछ लिखा नहीं हो तो 1 ही होता है, ये 2 है तो ये कहीं ना कहीं इसके कोफिशियंट है। उससे आगे बढ़ते हैं, ये जो इनमें वैल्यूज हैं, जो जिसमें कोई वेरिएबल नहीं लिखा हुआ, 7 है, माइनस फाइव है, 2 + 7, ये कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। उसके बाद 0 कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल 0, उसकी वैल्यू जी, जो बेसिकली उसकी डिग्री होती है, जो यहां समझते हैं अपन, 2 = 2x^0। अब ये 2 को 2x^0 लिख दो, क्योंकि x की पावर 0 है, तो x की पावर 0 = 1 हो जाता है, तो 2 × 1 1, तो ये और ये बराबर है, तो डिग्री ऑफ नॉन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, ये बेसिकली इसमें समझाया, ये इसने यहां पे आपको समझाने की कोशिश करी। यहां मतलब किसी भी डिग्री ऑफ ए नॉन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0, ठीक है। आपको अगर 2 को लिखना है या 7 को लिखना है, तो = कर दो 7x^0, -5 को लिखना है तो -5x^0, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्स्टेंट ही आ जाएगा, उतना ही आ जाएगा, उसकी वैल्यू वही आएगी, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये आपका हो गया 2x, ये हो गया आपका 2x + 2 + 5x², ये सब मोनोमियल हो गए क्योंकि सिंगल वैल्यूज है, ये डबल वैल्यू है क्योंकि y² + 1 हो गया, या u 15 - 4² हो गया, तो ये बाइनोमियल कहलाया, जिसमें 3 वैल्यूज हो गई, x + x² +
पाई, तीन वैल्यू हो गई ना, इसलिए इसी तरह से एक एग्जांपल बना लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 2x, y स्क्वायर प्लस y प्लस 3, ये भी ट्राइनोमियल होगी जिसमें तीन तीन वैल्यूज होती हैं। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, अगर हम द पॉलीनोमियल विद डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलीनोमियल, 4 जैसे 4xy 2y 1 प्लस रूट 2x, ये आपकी पॉलीनोमियल विद डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलीनोमियल, इनमें सब में डिग्री 1 ही है, इसका अगर आप देखो डिग्री 1 ही है तो ये आपका लीनियर पॉलीनोमियल कहलाता है। इसी तरह अगर 2 वैल्यू है तो पॉलीनोमियल ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहलाता है। बेसिक सीख लीजिए जिससे कि आपको आगे समझ में आ जाए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा मोनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और ये ट्राइनोमियल क्या होता है, ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ए पॉलीनोमियल विद डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलीनोमियल, अगर यहाँ पे अपन 3 रख देते हैं, 2x की पावर 3 प्लस 5, 5x की पावर 3 प्लस 3x, ये तो ये क्यूबिक पॉलीनोमियल हो गया। तो आपने समझा यहाँ पे मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं जो उसके सामने लिखे रहते हैं, और उसके बाद लीनियर पॉलीनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है, ये ज्ञान लेते चलेंगे तो आगे बढ़िया रहेगा और कहीं ना कहीं आपको फायदा करेगा। बेसिक्स अगर आपको क्लियर है, मेरा हमेशा फंडा ये रहा कि बेसिक्स अगर आपके क्लियर है, सीधे क्वेश्चंस पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। क्यूबिक पॉलीनोमियल तीन डिग्री है तो क्यूबिक पॉलीनोमियल, इसी के बाद इसी से फिर आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे, यहां से आगे चलते हैं फिर हम एक नए क्वेश्चन के साथ। पीएक्स इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसको सॉल्व करते हैं, 1x की जगह 1 वैल्यू रखते हैं, 5 इंटू 1 पावर क्यूब माइनस 2 इंटू 1 की पावर स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2, आप सॉल्व कर लेना माइनस 2 आएगा, x की वैल्यू आपको 1 रखनी पड़ेगी। ऐसे यहां पे करा 1 रखा इसका वैल्यू, तो आप देखेंगे 1 का स्क्वायर रख दिया, 3 1 यहां 1 रख दिया, यहां 7 का 7 ही है तो इसकी वैल्यू आ गई 9, तो इजी क्वेश्चन है। दूसरा तीसरा क्वेश्चन रखते हैं, चेक माइनस 2 एंड प्लस 2 आर जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल, तो माइनस 2 और प्लस 2 जीरो है एक पॉलीनोमियल के नहीं है, ये चेक करना है, x प्लस 2 है वो, दैट x px इज इक्वल टू x प्लस 2, तो x की जगह माइनस 2 रख के देख लिया और प्लस 2 रख के देख लिया, माइनस 2 रख के देखा तो 0 आया, प्लस 2 रख के देखा तो 4 आया, देयरफॉर माइनस 2 इज जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल बट 2 इज नॉट, तो माइनस 2 के केस में 0 आता है, तो माइनस 2 के केस में 0 आया तो यही आपका 0 ऑफ अ पॉलीनोमियल कहलाया। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो हम 3-4 ऑब्जर्वेशंस करेंगे, ये मैं आपको थोड़ा देर में बताऊंगा ये ऑब्जर्वेशन क्या है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड अ 0 ऑफ अ पॉलीनोमियल 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 0 ऑफ अ पॉलीनोमियल, इसने क्या करा यहां पे, टू पी एक्स इज टू एक्स प्लस 1, एक्स की वैल्यू 0 तो 2x प्लस 1 इज टू 0 लिख लिया, 2x की वैल्यू निकली 0, ये 1 प्लस 1 उठ के यहां चला गया राइट साइड में, तो 2x इज टू माइनस 1 हो गया, x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2। तो इन सब क्वेश्चन से एक ऑब्जर्वेशन आई है, चार ऑब्जर्वेशन आई है बेसिकली जो हमको समझनी पड़ेगी। चार ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, एवरी रियल नंबर इज अ 0 ऑफ अ 0 पॉलीनोमियल, every real number is a zero of a zero polynomial, ठीक है, zero polynomial क्या हो गया, जिसकी जो constant form में होता है, और इसी का opposite एक और दिया इसने, a zero of a polynomial need not be zero, a zero of a polynomial need not be zero। तीसरी observation है, a linear polynomial has only one zero, लीनियर पॉलीनोमियल लीनियर ये कर रहे ना सिंगल वाली जो है, अ लीनियर पॉलीनोमियल हैज ओनली 1 0, और चौथा है आपका पॉलीनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0। तो ये चार ऑब्जर्वेशंस निकल के आई हैं जो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी को इसलिए फॉलो करना चाहिए क्योंकि सस्ती बुक है, हर बच्चा पढ़ सकता है, गांव में बैठा हो चाहे शहर में बैठा हो, उसको समझ में आएगा, उसमें सारे कॉन्सेप्ट है, बाद में क्वेश्चन बाकी कर लेंगे। बेसिकली आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम, पहले इसको पढ़ लेते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, अभी यहां तक इतना ही पढ़ लेते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, डिवाइड किया आपने, x में वैल्यू रखी आपने क्योंकि x माइनस 1 था, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 हो गया,
ठीक है, तो पी के वन, पी वन की वैल्यू आपकी हो गई 1 पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2 प्लस 1, अल्टीमेटली 2 आ गया। तो इस रिमाइंडर थ्योरम की वजह से 2 इज रिमाइंडर, x माइनस 1 इज अ डिवीजर, एंड एंड ये जो है ये आपका वो हो गया, 2 आपका रिमाइंडर आ गया, ये आपका डिवीजर आ गया, ये आपका डिविडेंड ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से, पॉलिनोमियल x4 प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस 1 इज मल्टीपल ऑफ 2x प्लस 1। तो इसको सॉल्व किया, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसकी इक्वेशन निकाली हम लोगों ने, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो क्यूब क्यू में x की जगह माइनस हाफ वैल्यू रखी, अल्टीमेटली आंसर आया 0, ठीक है, आंसर आ गया आपका 0। तो ये प्रूव हो गया कि 2 प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, जो भी आपका पॉलिनोमियल उसका फैक्टर है ये, एंड मल्टीपल ऑफ, ठीक है, बुक देने इसकी डायकॉलिंग बुक का। यहां पे हम फैक्टर थ्योरम कर लेते हैं, कट फैक्टर थ्योरम कर लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन वेयर एन इज ग्रेटर देन 1, यहां ए रियल नंबर है, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 होना चाहिए उसकी एक्सपोनेंट या 1 से ज्यादा होना चाहिए, देन एक्स माइनस इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, पी एक्स हम जो शुरू में लेते हैं कोई भी, इफ पी ए इज इक्वल टू 0, पी ए जिसका रिमाइंडर 0 आता है, ऐसे ही अगर रिमाइंडर 0 आता है इफ एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, पी ए ऑफ 0 इफ एक्स माइनस, अगर एक्स माइनस ए फैक्टर है तो पी एक्स का, दो चीजें होती है सॉल्व फैक्टर थ्योरम में, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री एन के बराबर 1 के बराबर या ग्रेटर देन 1 है, ए इज इक्वल टू रियल नंबर, ए रियल नंबर है, तो एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, इफ पी ए इफ पी इज इज ग्रेटर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी हो गई पी ए इजकल टू, उल्टा इसका उल्टा हो गया, पी ए इजकल टू 0 इफ एक्स माइनस इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट बात होगी, एक जगह वो फैक्टर हो गया तो रिमाइंडर आएगा 0, एक जगह अगर 0 होगा तो रिमाइंडर आएगा पी एक्स, इसी तरह से रिमाइंडर थ्योरम का पढ़ लीजिए, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल डिग्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, If px is divided by linear x minus, then the remainder is pa, ठीक है, वो सेम बात है, यहां तक ये बात सेम ही है, यही डिग्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये का यही बात है, यहां पे इज डिवाइडेड बाय द लीनियर एक्स माइनस ए, यहां पे भी डिवाइड हो रहा है किससे, एक्स माइनस ए, यहां पे भी एक्स माइनस ए, देन द रिमाइंडर इफ इज पी ए, यहां ए रियल नंबर है, पी ए वेयर ए इज अ रियल नंबर, ओके, कट कट। और फ्रेंड्स आप कैसे हैं, मैथमेटिक्स क्लासेस में सबको समझ में आ रहा है आपको, कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो मेरे को कॉल करिए प्लीज मेरे फोन नंबर पे, मैंने इस मैथमेटिक्स क्लासेस का नाम दिया है प्योर मैथमेटिक्स क्लासेस, तो इसमें मैथमेटिक्स चलेगी और आप खूब पढ़ेंगे, खूब बढ़ेंगे, इंडिया पढ़ेगा, इंडिया बढ़ेगा। तो दोस्तों हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा, फैक्टर थ्योरम पढ़ा, और उनको समझा होंगे बहुत सारे एग्जांपल्स किए, कुछ एग्जांपल्स के बहुत सारे नहीं किए, इनफैक्ट थोड़े ही किए हैं, बट हम आगे करते रहेंगे कहीं ना कहीं। अब हम लोग नई थ्योरी पे जा रहे हैं जिसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, सो लेट्स मूव ऑन द बोर्ड अगेन, इससे फर्दर चलते हैं हम लोग, x प्लस थ्री
एक्स प्लस थ्री प्लस मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस थ्री, तो एक्स प्लस थ्री होल क्यूब वही वाली इक्वेशन है एक्स प्लस थ्री होल क्यूब, तो उसको सॉल्व कर लो एक्स प्लस थ्री होल क्यूब को अपन जानते हैं एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू प्लस टू ए बी, ये आइडेंटिटी है बेसिकली, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो उसका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है वो वाली आइडेंटिटी यहां यूज करिए और इसको सॉल्व कर लिया। उससे अगले पे चलते हैं 3a plus 4b plus 5c square, तो इसमें ये वाली ये आइडेंटिटी यूज करिए x plus y plus z whole square is equal to x square plus y square plus z square plus 2x square plus 2yz plus 2zx, ठीक है तो ये हो गया आपका 9a square plus 16b square plus 25c square क्योंकि ये आपका ये था ना एबीसी था, तो ये बेसिकली आपका आइडेंटिटी एक्स वाई जेड में है, तो 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर, क्योंकि z का स्क्वायर 25c स्क्वायर हो गया ना, और ये हो गया फिर 2xy, 2xy ये है ये 2 इंटू 3 6 4 24 ab, ये हो गया आपका 24 ab, इसी तरफ 2 इंटू 4b इंटू 5c ये आ गया 20 टू फोर, ये हो गया आपका 2485 40 होना चाहिए, सॉरी मिस्टेक है कहीं ना कहीं 40 होना चाहिए, ये हो गया आपका 40 प्लस बी, ये हो गया बीसी प्लस 30 हो गया आपका 2 इंटू 5 इंटू 3 टू बजे 10 10 3 जा 30 और एसी, ठीक है। इसके बाद अगले पे चले 3a प्लस 4b होल क्यूब, 3a होल क्यूब प्लस 4b होल क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट स्टार्ट 3a ब्रैकेट क्लोज सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट 4b ब्रैकेट क्लोज 3a प्लस 4b, ये वाली आइडेंटिटी इसमें लग रही है, तो ये आप सॉल्व कर लेना, आइडेंटिटी यही है x प्लस, ये वाली आइडेंटिटी है x प्लस y होल क्यूब इसका टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई एक्स प्लस वाई, ये आइडेंटिटी यहां लगाइए, इसे मैंने इसको आइडेंटिटी बोल दिया था बट एक्चुअली आइडेंटिटी है, तो आप यही वाली फॉर्मूला लगा लेना कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्यूब हो गया आपका 3a का 3 3 9 9 3 27 क्यूब, वाई क्यूब हो गया आपका 4 4 8 4 4 16 16 4 64 बी क्यूब, और थर्ड हो गया आपका 3xy 3 इंटू 3a इंटू 4b, ठीक है ये हो गया, इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये दो आंसर आ जाएंगे आपके, ठीक है 3xy वो यहां इन्होंने सॉल्व करके बताया हुआ है 3 इंटू 3a प्लस 4b इंटू 4b ब्रैकेट में 3a इंटू 4b, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 3 9 9 4 36 36 3 108 ए स्क्वायर भी हो गया आपका, क्योंकि ए यहां दो बार है, इसी तरह से 4b 3 3 9 9 4 36 ए बी, बी दो बार हो गया तो बी स्क्वायर हो गया, तो 1 36 4 144 बी स्क्वायर ए, ठीक है इसी तरह से इसको सॉल्व किया 100 प्लस 4 क्यूब, तो ये हो गया आपका, इसमें बेसिकली वो ये आइडेंटिटी यही वाली आइडेंटिटी यूज करिए, इसको ब्रेकअप कर लिया 100 प्लस 4 तो 100 क्यूब, इस आइडेंटिटी के हिसाब से 100 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 4 इस वाले से, और x प्लस वाई हो गया 100 प्लस 4, तो यहां लेते हैं फिर हम 100 प्लस 4 क्यूब, 100 प्लस 4 हो गया, 100 का क्यूब हो गया, 4 का क्यूब हो गया, 3 इंटू 100 इंटू 4 100 प्लस 4 वो यही आइडेंटिटी है, तो ये हो गया आपका 6 टाइम 0 हो गया, इसकी वजह से इसका 464 हो गया इसकी वजह से, और ये 3 इंटू 100 इंटू 4 आपके हो गया 1200,
प्लस 100 प्लस 4, इसको फर्दर सॉल्व कर लेना आप अपने आप 112486 हो रहा था, आपके एनसीईआरटी की बुक का ही आपको एक क्वेश्चन है, ठीक है। उससे आगे चलते हैं, ये एक और आइडेंटिटी याद कर लीजिए, x 3 प्लस y 3 प्लस z q माइनस 3xyz, x प्लस y प्लस z मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस yz माइनस zx, तो ये आप इसको सॉल्व कर लेना, 8x क्यूब yq माइनस 27 प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz, तो ये सॉल्व कर लेना, x प्लस y प्लस z x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस 3x, यही आइडेंटिटी यहां पे लिख ली, x की वैल्यू होगी आपकी 2x क्योंकि इसको आप सॉल्व करोगे तो x क्यूब का x आ गया, 8 का 2 आ गया, y का y क्यूब है तो y आ गया, और z का आपका 3 × 3 × 3 है तो 3z हो गया, इसको फर्दर सॉल्व करा इसी तरह से, ये हो गया आपका 2x प्लस y प्लस 3z, और इसको फर्दर सॉल्व किया x स्क्वायर हो गया तो 2×2 = 4x स्क्वायर, y का y स्क्वायर हो गया, 3×3 = 9, 9z स्क्वायर हो गया, और फिर फर्दर इसको आगे किया माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई हो गया आपका 2xy, तो 2xy हो गया आपका माइनस 2xy हो गया, y को 3z से मल्टीप्लाई किया तो 3yz हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2×3 = 6 और xz हो गया, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया आपके, आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके जो हैं बेसिकली वो सॉल्व हो चुके हैं, तो इसके आगे अब हम चलते हैं, ठीक है। इसके आगे ऑलमोस्ट आप अपने आप क्वेश्चन करिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे कमेंट सेक्शन में डालिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और इस चैप्टर को यहाँ क्लोज करते हैं, फिर हम फर्दर कोई क्वेश्चन होते हैं तो हम करेंगे।